नमस्कार दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी पे अपने कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी का घर परिवार सुख और खुशियों से और पूरे वैभव से वो परिपूर्ण करें। आज धनतेरस था तो आज मैं अकेली ही हूँ, फ़िलहाल तो मेरे घर पे कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे ही पूजा करनी थी। मैं मार्केट नहीं जाना चाह रही थी आज, तो मैंने सोचा मैं घर से ही कुछ करती हूँ। तो मैंने आटे की दिया बनाई। तो आटे की दिया कैसे बनाते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आप देखिए, मैंने आटा गूंथा और अगरबत्ती का जो स्टैंड होता है उसको उल्टा करके उसमें पॉलीथीन रख के मैंने ये दिया बना ली। और मैंने इनको सूखने के लिए रखा, आगे पीछे जब ये सूख गई तो मैंने इनको बेस कलर से वाइट पेंट कर लिया। देखिए मैं पेंट कर रही हूँ, सारी दिया को मैं पेंट कर लूँगी, डबल कोट कर लूँगी। मैं इसलिए बेस कलर कर रही हूँ क्योंकि जब हम बेस देते हैं तो कोई भी कलर बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि ये आटा है तो ये पहले से ही डल कलर है, तो इस पर कलर मर्ज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई देता है। तो इसलिए हमको, आप वाइट कलर भी कर सकते हैं, और आप ऐसे नहीं आटा है तो आप मिट्टी की भी दिया ऐसे बना सकते हैं। ये मेरी दिया बेस हो गया है, वाइट हो गया है, अब मैं रेड लूँगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं ना, ब्लू, येलो, ऑरेंज, कोई भी। तो मैं यहाँ पर रेड ले रही हूँ, वाइट पहले से, तो मैं थोड़ा सा लाइट ले रही हूँ, तो देखिए पिंक हो गया है, ये हल्का पिंक है। और मैं ऐसे ही सारी दिया को ऐसे ही पेंट करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के हिसाब से आप दिए को कलर कर सकते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से कलर कर लिया है, और मैं इनके जो साइड पे है तो साइड पे मैं डार्क कलर करूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो ये त्यौहार के लिए और पूजा के लिए तो दीपक बहुत ब्राइट कलर में होना चाहिए। तो मैंने ब्राइट कलर ऑरेंज, येलो और मजेंटा और रेड यही चूज किया, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 13 ही दिया बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने इनको कलर कर लिया है। देखिए सारी दिया मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, और इनके बाद मैं कलर करने के बाद इनको सूखने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, कि ये सूख जाए, क्योंकि आटा पूरी तरीके से सूखा नहीं था, इसके ऊपर ऊपर सूख गया था, तो इसलिए ये कलर करते करते गीला हो जाता है। तो सूखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें दीपक, अभी शाम को दीपक जलाना है, तो इसलिए मैं इनको सूखने के लिए, देखिए मेरी दिया तैयार हो गई है। अब मैं, ये पीछे सूख गई है, आगे ही बाकी है, तो आगे भी सूख जाएगी। मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे पीछे से लग रही है, आगे से कैसे लग रही है। तो फिलहाल ये सूख के मैं सूखने के लिए रख रही हूँ, और ये मेरी दिया तैयार हो गई, और शाम को मैं पूजा कर रही हूँ और मैंने दिया जलाई। आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक।